सारूज किचन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बनाने जाएंगे मिर्च का अचार, जो कि पिसी हुई लाल मिर्च से बनाया जाता है। यह अचार बनाने के पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है लाल मिर्च, जिन्हें मैंने दो हिस्सों में काट लिया है। साथ में लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल एक बाउल, वन बाउल अचार मसाला, नमक, लेमन जूस और साथ में लिया है वाइट विनेगर। हम लाल मिर्च, लेमन जूस और वाइट विनेगर को मिक्सी में कुछ इस तरह से पीस लेंगे और एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर इसे हल्का गर्म करेंगे। दोस्तों यह अचार हम 6 से 8 माह तक सहेज कर रख सकते हैं। जब मस्टर्ड ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे अचार मसाला और इसे थोड़ी देर सिकने देंगे। जब यह भुन जाए तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। ध्यान दीजिएगा मसाला जल ना जाए, इसलिए गैस का फ्लेम कर दीजिएगा ऑफ। अब हम इसमें डालेंगे मिर्च पिसी हुई, जिसे मैंने विनेगर और लेमन जूस के साथ पीस लिया है। इधर मैंने विनेगर थोड़ा लिया है और लेमन जूस एक बाउल लिया है। 10 से 12 लेमन यूज कर सकते हैं आप। और अब हम गैस का फ्लेम करेंगे ऑन। क्योंकि मिर्च बहुत तेज होती है, इसी से बहुत ही सावधानी पूर्वक तेल में मिक्स करेंगे। मिर्च लाल है, आप चाहें तो हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं इसमें। वह हरी मिर्च का अचार हो जाएगा। यहाँ मैंने लाल मिर्च का अचार बना रही हूँ पीस कर। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक, आधा बाउल के लगभग नमक लग जाएगा इसमें आपका, और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। और जब यह तेज छोड़ने लगे तो गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और ठंडा कर इसे हम बर्नी में भर देंगे। आप देख सकते हैं यह देखने में बहुत ही सुंदर है, उसी तरह यह खाने में भी बड़ा ही टेस्टी लगता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लाल मिर्च का अचार बनकर तैयार है, आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।